Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Stay show. मसीह यीशु के पाक कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को हैं, ये मसीही दुनिया में बल्कि हर एक मजहब में बहुत अहम बात है। स्लाइड आपको नजर आ रही है? यहाँ से इस तरफ से थोड़ी रोशनी कम कर दे तो शायद ये बेहतर हो जाए। दुआ के तल्लक से हम सीखना और जानना चाह रहे हैं। दुआ हर एक मजहब में, हर एक कलीसिया, हर एक खानदान और फिर हर शख्स की जिंदगी में शख्सी तौर पर बहुत अहमियत रखती है और इससे खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में और जाहिर होता है। दुआ क्या है? खुदा से बातें करना। जी, खुदा से रफाकत। जी जी, खुदा से मेलजोल का रास्ता। जी, आप खुदा के साथ रिश्ता। जी, खुदा से मांगना। कोई और कुछ कहना चाहे? खुदा के साथ गुफ्तगू करना। खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना। ये बहुत सारे मीनिंग्स हमारे सामने आए हैं। आप में से किसी ने इस बात को कि आप जो कुछ कह रहे हैं इसको जानने के लिए कि आप वाकई दुरुस्त हैं कभी कुछ इस पे गौर किया है? जी, कैसे किया है? जी नहीं, जी ये तो दुआ के वक्त में जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट है या उसको आप पा रहे हैं उस तलक से। मैं कह रहा हूं कि आपने इतने ज्यादा इसके मैंने बताए हैं। किसी ने अपने जो मैंने बताए हैं आपने उनको कभी किसी किताब से या कहीं किसी से सीख कर कंफर्म किया है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने जानना है, क्या वो वाकई दुरुस्त है? बाइबल क्लास में आपने सीखा। प्रेज लॉर्ड, जबरदस्त है। क्या सीखा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यही तो हमारा ईमान है। जी, नहीं, इसी तरह रूफन ने भी, आपने भी। सवाल ये है, सवाल पर बात होगी।
यह नहीं कि जो आपने सीखा है वही आप सुनाते जाएं, सिखाते जाएं। सवाल सुनिएगा, या किसी को सवाल याद हुआ है कि मैंने क्या कहा था? जो कुछ जो मैंने मैं बता रहा हूं या मैंने सीखे हैं, उन पर आपने कभी कोई किताब उठाई हो, कभी उसको जानने की कोशिश की हो? देखें, सवाल फिर कुछ और है। अभी भी सवाल का ही, बस अब सवाल कुछ और है। सवाल के मुताबिक अगर आपको सवाल याद है ठीक है, नहीं तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हाँ, दोहरा दे, ये अच्छा है। अब सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि आप अच्छा और बेहतर सीखे जाने और उसके वसीला से आप कसरत की बरकत हासिल करें। सवाल ये है कि आप सब ने बहुत से दुआ के मैनी जो हैं वो दराए हैं, कहे हैं, बताए हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये बताया, एक जो बहुत आम फहम और बहुत दफा पासवानों से हमने सुना है के दुआ के मैनी हैं खुदा से बातें करना। इसी पर हम करते हैं। कभी किसी ने पास्टर के सुनने के बाद या कभी उसको ख्याल आया कि वो इसके मैनी तो देखे, क्या जो कुछ बताया जा रहा है दुरुस्त है? जो कुछ मैंने सीखा है किसी किताब में से, मैंने उसको कंफर्म करने की कोशिश की? ये मैं कहना चाह रहा हूं, कोई शख्स ऐसा जी, नहीं, वो तो आपने जमायत ही में सीखा और जमायत में सारी बात की, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। सवाल को समझने की कोशिश करें। हाँ जी, जो आपसे ये उम्मीद है जी, हाँ जी, कोई और कोशिश कीजिए। जो कुछ आप सुनते हैं जी, और तुसी हुंते नहीं बारो आए यार, ये मेरा सारा टाइम निकल जाएगा इसी बात पे। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और आ रहा है। ये मसला जो है ना दरपेश है। रूफन किसे नतीजे दे पहुंच चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सो आए हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कि कोशिश किया करें कि जो कुछ आप सुनते हैं घर में जाकर उसको जो है सीखने की कोशिश करें, कुछ और भी उठाने की कोशिश करें, किसी और के साथ भी आप बात कर सकें। दुआ के मैनी कमूस के मुताबिक, कमूस को हम बाइबल डिक्शनरी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। कभी कोशिश किया करें कि आप कुछ और आगे बढ़े और सीखें।
कमूस के मुताबिक दुआ के मैनी, दुआ एक इबादत है। जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप एक इबादत में बैठे हुए हैं, आप इबादत कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि जब मैं दुआ कर रहा हूँ तो मैं इबादत नहीं कर रहा, मैं दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गीत नहीं गाया, मैंने कलाम नहीं पढ़ा, इसलिए ये इबादत नहीं है। ये दुआ में जब आप ठहरते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा के हजूर इबादत करना है, उसकी बंदगी करना है, उसकी पूजा करना है। और बाइबल डिक्शनरी के मुताबिक इसके हमारे सामने मैनी आ रहे हैं। एक और मैनी, खुदा की तमजीद करना। खुदा की जब हम तमजीद कर रहे होते हैं, तमजीद करना समझ रहे हैं जी, तमजीद के क्या मैनी है? इसको आसान करने की जरूरत है, सलीस करने की, वडियाई करना, शुक्रगुजारी दूसरे पहलू में है। शुक्रगुजारी में तमजीद भी है, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसको हम अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तमजीद करना, उसकी बुजुर्गी, उसकी शान और उसकी वडियाई में जुमले बोलना, अल्फाज अपने मुंह से निकालना, ये दुआ है। और खुदा की हम करना, क्योंकि वो हम और स्ताइश के लायक है। दुआ में ज़रूरत ये है कि जब हम दुआ में उसकी इबादत कर रहे हैं तो फिर हमारी ज़बान पर उसकी तमजीद हो, हमारी ज़बान पर उसकी हम्द हो, उसकी हम्द के गीत गाना हमारी हमसे शुरू हो जाए, हमारे दिल में उसकी हम्द और स्ताइश जो है वो जारी हो जाए। और दुआ के मैनी ये भी है, अपने गुनाहों का इकरार करना और उनकी माफी मांगना, ये भी दुआ का हिस्सा है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी दुआ एक तो सच्ची बात के दुरुस्त हो और आपकी दुआ बढ़ जाए, आप सिर्फ मांगने वाले ना रहें। कमूस के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, बाइबल डिक्शनरी के मुताबिक इन मैनी को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फिर मांगना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये बाइबल का असूल है, अंजील का असूल है। खुदा की हजूरी से मांगना, जो हमारी ज़रूरत हैं उनको खुदावन के हजूर पेश करना, इल्तिजा करना, खुदावन के हजूर आजज हो जाना और उसके हजूर अपनी दरख्वास्त को बड़ी दिलसोजी के साथ, खाकसारी की हालत में उसको खुदा के सामने पेश करना और खुदा से रफाकत रखना या खुदा के साथ मिलकर बातें करना, ये दुआ के मैनी है। अब क्या है, हमने दुआ के मैनी जो कलीसिया में सबसे आम हैं, जिन पर जोर दिया गया है, जिसको कलीसिया समझ गई है, खुदा से बातें करना, खुदा से मांगना। इससे ज्यादा कलीसिया को इलम नहीं है, इससे ज्यादा कलीसिया इसको नहीं समझ रही। लेकिन मेरी लालचा ये है कि कलीसिया दुआ के पूरे मकसद को अपने सामने रखे, दुआ के पूरे मैनी उसकी जिंदगी में पूरे हों और वो बरकत पर बरकत पाते जाएं और खुदा की कुदरत को हासिल करें। फिर से इनको दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको
लिखने की आदत नहीं है। कितने पढ़ और लिख सकते हैं? जरा हाथ तो दिखा दे। खुदा की कुदरत वो बहुत जबरदस्त है। लिखने की आदत अपनाएं, हमेशा अपने साथ अपनी डायरी रखें और लिखा करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे एक टीचर थे, वो जब हमें पढ़ा रहे होते थे तो वो देख रहे होते थे केड़ा लिख रहे हैं केड़ा नहीं लिख रहे। एक दिन वो जो है ना, उन्होंने वेट पेपर उठाया और एक शख्स को मुखातिब किया, कहता तेरे दिल करता मैं सिर दे बिच मार दा, तू इतना जहीन नहीं है, तू बाहर निकल दे सब कुछ भूल जाना, लिखा कर ये तेरे काम आएगा। आपको भी ये कहूंगा, वेट पेपर तो मेरे पास नहीं है, हाँ जी थोड़ा जा त्राई सही, हाँ जी लिखा करें जी। इसको मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम होता है। दुआ एक इबादत है, सब कहें दुआ एक इबादत है, खुदा की तमजीद करना दुआ है, खुदा की हम्द व सना करना दुआ है, अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदा से माफी मांगना कि मैं फिर गुनाह नहीं करूंगा, ये दुआ है, और उसकी हजूरी से अपनी जरूरत के मुताबिक मांगना ये दुआ है, खुदा के हजूर इल्तजा करना ये दुआ है, और खुदा के साथ ये रफाकत का मौका होता है, उसके साथ गहरे तल्लक को जोड़ने का मौका होता है, ये दवा का हिस्सा है। अभी आपके सामने दूसरी स्लाइड आई है और ये फ्रोजल लगात के मुताबिक ये दवा के मेन्यू है। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो आप वो हैं लुगत के मुताबिक मैनी जो हैं दुआ के, उनको भी मैंने कोशिश की कि उनको भी हम अपने सामने रखें, हम हवा ही में बातें करने वाले ना ठहरें। लुगत में तकरीबन वही मैनी हमारे सामने आ रहे हैं जो कमूस में हमें हमारे सामने आए हैं। खुदा से मांगना, इल्तिजा इल्तमाश करना, दुआ की इबादत, यानी दुआ एक इबादत है जिसमें अपनी मुनाजात हम खुदा उनके हजूर में पेश करते हैं, और किसी की बेहतरी की ख्वाहिश करना, दुआ में किसी की बेहतरी की ख्वाहिश करना यानी किसी की बेहतरी के लिए खुदा के हुजूर इल्तजा करना, मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, ये दुआ है, ये भी दुआ का हिस्सा है। मराद मांगना, ये भी दुआ है। और फिर सलाम यानी किसी की सलामती चाहना, ये भी दुआ है। ये मैनीज जो हमारे सामने हैं ये लुगत के मुताबिक हैं, फ्रोजल लगात से ये मैनी मैंने लिए हैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ की मैनीज हमने अच्छे तरीके से जान लिए हैं, सीख लिए हैं। अब वो मैनीज जो हमने सीखे हैं, क्या इसके मुताबिक हम दुआ करने वाले हैं या सिर्फ मांगने वाले हैं? क्योंकि हम दुआ में सिर्फ मांगने वाले ही ठहरते हैं और हमारी दुआ में मिन्नत इल्तिजा और जो हैं शुक्रगुजारियां वो नज़र
नहीं आती। ये तमोतियस का हवाला जो हमारे सामने है, पहला तमोतियस दूसरे बाब की पहली दूसरी आयत जो है हमारे सामने जो है स्क्रीन पर हमें नज़र आ रही है, इसमें ये सिखाया गया है कि नसीहत की गई है और तलकीन की गई है, उनको ख़ास मैसेज दिया जा रहा है तमोतियस को, पौलुस रसूल ये दुआ के बारे में ख़ास लेसन देना चाहता है। और उसमें उसने ये सिखाया कि दुआ जब आप करते हैं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मनाजाते और दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। कई दफ़ा हमारी दुआ बड़ी महदूद होती है, या हम इल्तिजा कर रहे होते हैं, हम दरख्वास्त कर रहे होते हैं, हम खुदावन के हुजूर में जो है अपनी शुक्रगुजारियां भी पेश कर रहे होते हैं, तो वो नहायत महदूद होती हैं, हमारी पहुंच महदूद होती है। हम चाहते नहीं कि कुछ अपने दायरा को वसी करें और बढ़ाएं। इल्तिजाएं खास लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी कलीसिया का है, दरख्वास्तें खास लोगों के लिए, ये हमारे चर्च के लोग हैं, और शुक्रगुजारियां बड़े खास लोगों के लिए, ये मेरा बेटा और बेटी है, इनके लिए शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारियां महदूद, इल्तिजाएं करना महदूद, खुदा के हजूर में दरख्वास्त करना, दुआ का दायरा एक ख़ास जगह पर रुका हुआ है, ख़ानदान में, ख़ानदान से निकलकर शायद कलीसिया, और इससे बढ़कर हमारा दायरा जो है वो वसी नहीं होता। लेकिन यहाँ पौलुस रसूल तिमोथियुस को ये नसीहत करते हैं कि दरख्वास्तें हों, इल्तिजाएं हों, मिन्नतें हों, दुआएं हों, ये सब की सब जब की जाएं तो ये सब आदमियों के लिए की जाएं। और सब आदमियों के लिए मैं यूँ कहूँगा कि बनी नौ इंसान के लिए की जाएं। जब सब आदमियों के लिए की जा रही हैं तो गैर कौमों को भी आप उनमें शरीक कर सकते हैं। गैर कौम का कोई शख्स है, वो नशे की इल्लत में चला गया है, नशेबाजी में चला गया है, आपके मोहल्ले में आपको घूमता नज़र आता है, और वो शख्स जो है वो पहले इस तरह से नहीं था, अब गंदा और बड़ा अजीब हालत में नज़र आता है, क्या हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हम करते हैं। हम तो उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जिसके साथ हमारा तल्लक है, जिसके साथ हमारा वास्ता है, जिससे हमें जो कुछ मिलने की या उससे कुछ तवक्को होती है, उसके लिए दुआ करते हैं। सब आदमियों के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। इसकी जो तीसरी आयत है, इसमें ये लिखा है कि ये हमारे मनजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। दुआएं, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें, मिन्नतें ना फक्त अपनों के लिए, शुक्रगुजारियां सिर्फ अपनों के लिए नहीं, बल्कि जब हम इसका दायरा वसी करते हैं, इसमें से हम एक अपने उस दायरे से निकल जाते हैं, तो रसूल कहता है कि ये खुदा के नज़दीक नहायत उम्दा बात और उसके नज़दीक पसंदीदा है। क्या हम जो दुआएं कर रहे हैं वो खुदा के हुजूर उम्दा और पसंदीदा हैं? मैं ये कहूँगा कि आप में से हर कोई
घर जाकर जैसा यीशु मसीह ने कहा था ना कि अपना कमरा बंद कर लेना, हाँ जी, आप शख्सी दुआ, इससे मुराद ये है कि शख्सी दुआ में बैठें और इस बात पर गौर करें, तीसरी आयत पर, क्या मैं उम्दा दुआ करता हूँ, क्या खुदा के नज़दीक जो मैं दुआ कर रहा हूँ वो उसके हजूर पसंदीदा है। अगर हम उम्दा नजराना खुदावंद के हजूर में गुजरानेंगे तो फिर क्या होगा, बरकत पाएंगे, कसरत की बरकत पाएंगे। और अगर हमारा वो नजराना जो है टूटे सिंगों वाला, टूटे खुरा वाला, यानी ऐसा नजराना खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे, लूला लंगड़ा, तो फिर क्या होगा, हम बाई से बरकत होंगे। बरकत के फिर उलट भी एक लफज है, फिर हम बरकत पाएंगे या लानत पाएंगे जी, क्या पाएंगे, लानत पाएंगे। हमने उम्दा और पसंदीदा दुआ करनी है। हम दुआ करते हैं कि हम दूसरे को पसंद आ जाए। आज मैं इस तरह दुआ करनी है, वेखियो कलीसिया कहेगी वाह भाई वाह। हम दुआ इसलिए करते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर, लिख लिख कर, याद कर कर के हम खुदावंद के हजूर पेश करते हैं, क्योंकि लोग हमें जाने कि इसे दुआ करनी आती है। तो ये उम्दा कुर्बानी है, हाँ जी, ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा दुआ है जी। पर साहब, हाँ, पादरियाँ दी लाइन भी बैठी हुई है, हाँ जी, तो ये वो दुआ नहीं है जो खुदा को पसंद है। इसलिए पहली बात तो दुआ को सिर्फ मांगना इसके मैनी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुआ इल्तजाएं करना है, अपनी मनाजात को खुदावन के हजूर में लाना है और शुक्रगुजारियों के साथ खुदा की स्ताइश और तमजीद करने का नाम दुआ है। अब जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दुआ के मैनी जो हमने सीखे थे उन पर हम गौर कर रहे हैं। एक मैनी हमने सीखे तमजीद करना, तो ये तमजीद के तल्लक से बहुत सारा मुआद था, बाइबल में बहुत सारे हवाले मेरे सामने आ रहे थे, लेकिन मैंने दो को चुना है। ये तो कह ले कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें बढ़ने की कोशिश करें, तो आप भी कुछ कोशिश करें और इसको जानें और समझें। तमजीद, तमजीद के लिए हमने जबूर 50 की जो 23वीं आयत है उसको लिया है। जबूर 50 उसकी 23वीं आयत, उसके मुताबिक जो है लिखा है, इसका पहला हिस्सा चलो हम लेते हैं। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। दरअसल जब हम खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, उसके हजूर दिल से उसके नाम की स्ताइश कर रहे होते हैं, शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया, फिर कहते हैं तूने मुझे ये दिया, फिर कहते हैं तूने ये दिया और ये तेरे फजल से है, तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है, ये खुदा की तमजीद करना है। शुक्रगुजारी के लेवल को भी हमें
बढ़ाने की जरूरत है। अगले हिस्से में जबूर 69 उसकी 30वीं आयत जो है, इसमें यह है कि मैं गीत गाकर खुदा की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। इसमें जबूरनवीस जो हैं इस बात को भी खुदावन के हजूर में रखते हैं कि मैं गीत गाते हुए, उसकी हम करते हुए, उसके नाम की जय जय करते हुए खुदा की स्ताइश तमजीद करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। और अगली आयत बहुत ज़बरदस्त और लिखा है कि ये खुदावन को बैल से ज़्यादा पसंद होगा, बल्कि सींगदार और खुर वाले बछड़े से ज़्यादा। जब हम अपने होंठों से शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे, जब हम अपने लबों से खुदावन अपने खुदा का शुक्र करेंगे, तो ये वो कुर्बानी जो बैल की, पूरे बैल को ज़बह करके आप कहें कि ये शुक्रगुजारी है, आप बिरयानी की देग बनाकर ये कहें कि ये शुक्रगुजारी है, आप कोरमा बनाकर ये कहें कि ये खुदावन की शुक्रगुजारी है, आप सिंगर बूंदी लेकर आएं और कहें कि ये शुक्रगुजारी है, आप मिठाई लेकर आ जाएं और ये कहें कि ये शुक्रगुजारी है, इन तमाम तर शुक्रगुजारियों से जो मिठाई की सूरत में या किसी भी देग की सूरत में है, उससे बढ़कर ये कि कोई अपने लबों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। शुक्रगुजारी अक्सर खानदानों में की जाती है, हर शख्स शुक्रगुजारी के लिए हमेशा पुरजोश नज़र आता है, हर शख्स हमेशा चाहता है कोई भी भली और अच्छी बात उसकी ज़िंदगी में, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी में होती है वो शुक्रगुजारी करता है और खुश हो जाता है। लबों से शुक्रगुजारी नहीं करता, अपने होंठों को खुदावंद के हजूर में खोलता ही नहीं, और शुक्रगुजारी के दिन देग दे पीछे पज पज के सारा दिन खुवार हो जाता है, और फिर वो इबादत में भी नहीं बैठता, खुदा की हजूरी में भी नहीं ठहरता, और पादरी नू कहता जल्दी कर लियो जे भुख लग गई हो कलीसिया नू, फैमिली वाले साढ़े बड़े पकौड़े ने, और ये बातें कर रहा है, तो ये शुक्रगुजारी भली है, उम्दा है, पसंदीदा है। कुछ खानदानों में मैंने इस बात का इजहार भी किया है, शुक्रगुजारी का टाइम 5 बजे रख लेते हैं। जैसे आपके चर्च का टाइम क्या है? 11 बजे। आप कितने बजे आते हैं? 12 बजे। इसी तरह से वो जो होता है शुक्रगुजारी 5 बजे रख लेंदे ने, पर सब तुसी टाइम ना लाना है, पर सब जाके बैठे ने, कोई भी नहीं आ रहा, 6 बजे तक कोई नहीं आया, 7 बजे तक कोई नहीं आया। एक फैमिली को मैंने कहा आप क्यों परेशान हो, कहते हैं लोग नहीं आ रहे, तो मैं शुक्रगुजारी तुसी रखी हुई है, उन्होंने तो खान ले आना है, वो देग दा टाइम जो होएगा हल देग पक गई, कहते नहीं मैं फिर शुक्रगुजारी हाला नहीं। इबादत के हिस्से को शुक्रगुजारी में से निकाल देना पसंदीदा और उम्दा शुक्रगुजारी नहीं हो सकती। जरूरत है, मैं उस फैमिली को कह रहा था तुसी आज वो इबादत कर लेने या दुआ कर लेने या कुछ शुक्रगुजारी कर लेने, देग भी पक जाएगी, लोग भी आ जाएंगे, खा के चले जाएंगे, वो तो रोटी खान आ रहे ने, एहो ही होंदा है कि असी शुक्रगुजारी खा आए हैं। आप जब शुक्रगुजारी के लिए किसी को कॉल करते हैं तो
तो कोशिश करें, उन्हें कहें कि हमारे साथ आप दुआ में खुदावंद के साथ वक्त गुजारें। जब आप शुक्रगुजारी का मंसूबा बनाते हैं उस दिन उसको प्लान करें कि हमने कितने वक्त तक अपनी शुक्रगुजारी के खाने को मुकम्मल करना है और फिर मैंने दुआ में बैठना है। और ये भी याद रहे, कोई शुक्रगुजारी खुदा के बंदा यानी पास्टर या कलीसिया के किसी मुबशर जो उस टाइम आपने बुलाया हुआ है उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। बहुत सारे लोग देख बुकाई पाल साहब शुक्रगुजारी सी, हाँ ठीक है असी तो वंड भी छड़ी है, आ लो तुसी भी खा लो। हाँ जी पाली जदों अचानक ही पहुँच गया कहने अच्छी अज कर रहे स। अपनी दवा से आप शुक्रगुजारी की कुर्बानी नहीं गुजरान सकते, इसके लिए खुदा के खादम का होना बहुत ज़रूरी है। मल्लियाँ वक्ता पे आंद है आ जो बच्चियो और शोर मचा रहे होते हैं, आज सिंगर बूंदी वंडी जा रहे ने, किसी पता ही नहीं कि खुदा का खादम ही नहीं आया। बेशक छोटी सी छोटी कुर्बानी आप गुजरान रहे हैं उसमें खुदा के खादम को होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रगुजारी, तमजीद, ये हमें जानने और सीखने की ज़रूरत है। ये दवा का हिस्सा है और इसमें इसको दवा में शामिल करें, क्योंकि अगर आप दवा में शुक्रगुजारी को शामिल नहीं करते, फिलिपियों चौथे बाब की चौथी आयत से पढ़े तो पांचवी आयत में बड़ा ज़बरदस्त दर्स है कि कोई इल्तजा शुक्रगुजारी के बगैर, कोई दुआ शुक्रगुजारी के बगैर, कोई मिन्नत शुक्रगुजारी के बगैर खुदा के हजूर में हाजिर ना की जाए। ये वहाँ बड़ा ज़बरदस्त दर्स है। अपने गुनाहों का इकरार और माफ़ी दुआ में। कभी हम जब बैठते हैं, चले शाम के वक्त या रात के वक्त, कभी हमने इस पर गौर किया कि सारा दिन अस केड़ा केड़ा उल्टा काम कीता सी सारा दिन में? और अंजील तो ये कहती है बातों बातों में खुता हो जाती है। अंजील की तालीम तो ये है कि बातों बातों में खुता हो जाती। कभी हम दुआ में ठहरे हों अपना एहतसाब करने के लिए और फिर हमने गौर किया हो कि आज मुझसे ये गलती हुई है, आज मैंने ये गुनाह किया है, आज तो मुझे पता नहीं लगा मुँह आईडी को गाल निकल गई सी। आज कदी खुदा दी हजूरी च आके और इकरार किया? बस दुआ में जुट जाते, ओ फिर पता नहीं कहाँ से हिम्मत भी मिल रही है, मुंह जबरदस्त खुला हुआ है, क्योंकि हमने ये सीखा है कि खूब मुंह खोल कर दुआ करनी और वो हालेलुया दबाई जा रहे। वो दुआ जिसमें इत्तेसाब नहीं है, जिसमें हमने अपनी जिंदगी पर गौर करके अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश नहीं किया, सारे दिन की हमने अपनी हालत पर गौर नहीं की और सिर्फ मांगना शुरू किया, ओ उधर जाई मासी बड़ी बीमारी, जरा उधर जाती मार के आ जा आज, और बस जो ना खुदा को रूल कुदस को काम पे लगा दिया है। खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करना और वो खुदा जो आज मुझसे हुई है बातों बातों में ही हो गई है, गाल कड़ना तो नहीं चाहता हो गई, चोरी करना तो नहीं चाहता, बस समझ ही नहीं आई कि मैं ए जड़ी चीज़ है दूसरे दी मेरी जेब च आ गई है, पता नहीं लगा आज वो इतने आ गए तो जड़ा पता लग रहा उठे तो तुसी और ध्यान करो। या कई और तरह की बातें होती हैं,
हमने लोगों की ऐबजोई सारे दिन में जो की है उस पर हमने नगाई नहीं की। दवा ये भी इसका हिस्सा है कि हम अपना इत्साब करें, अपने आप पर नगाह करें और अपने अंदर देखें और फिर उसके हुजूर में आकर माफ़ी मांगे। यहाँ जकई की बात हमारे सामने आ रही है लूका की अंजील उसका 19वें बाब में जो है। जकई जो है महसूल लेने वालों का सरदार है, यीशु मसीह इनके साथ चले गए हैं। मैं इस सारी स्टोरी को आप जानते हैं। वो बात जो मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिखाया जाए उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यीशु मसीह उनके साथ उनके घर चले गए हैं और घर में गए हैं तो उसने इकरार किया है, उसने इकरार किया है, मैंने जितना किसी का ना हक लिया है वो मैं कितना अदा करता हूँ, 4 गुना उसे अदा करता हूँ। और जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया है तो अगले समय यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। क्या हम निजात से कहीं दूर लोग तो नहीं है? मैं गुजरे दिनों में एक पासवान के साथ बैठा हुआ था और मैं उन्हें बता रहा था कि अच्छी बात है कि आप गुनाहगारों के पीछे लगे हुए हैं। और ये जुमले बड़े जबरदस्त हैं कलीसिया में। मसीही ते हकीकी मसीही, हाँ, क्या करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को हकीकी मसीही बनाने की। मैं उन्हें बता रहा था कि आज ये ज़रूरत है, ईमानदार और हकीकी ईमानदार की पहचान भी हमारे सामने आए। ईमानदार तो हम सबको कह रहे हैं, काश अब उन्हें हकीकी ईमानदार बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हकीकी ईमानदार और ईमानदार में भी बड़ा फ़र्क होता है। जिस तरह मसीही और हकीकी मसीही में फ़र्क है, इसी तरह ईमानदार और हकीकी ईमानदार में भी फ़र्क है। और इसमें उसने खुदावन के हजूर इकरार किया है और खुदावन ने कहा है आज इस घर में निजात आई है। और फिर दूसरा जो हवाला हमारे सामने है ये भी लूका की इंजील 23वें बाब में से है। जब यीशु मसीह मसलूब थे उनके साथ 2 डाकुओं को भी जो है मसलूब किया गया था और एक ने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसे दूसरे साथी को कहता है हम तो सजा पा रहे हैं, ये तो वाजबी है, हमने किया है तो हमें सजा मिल रही है। यानी उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है और फिर खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपनी दरख्वास्त रखी है कि तेरे फजल से मैं फरदौस में पहुंच सकता हूं, तू अपनी बादशाही में मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। हमें फरदौस की परवाह नहीं है, हमें जन्नत की परवाह नहीं है, हमें आसमानी मकामों की कोई परवाह नहीं है, कोई लालचा नहीं है, बस दुआ मांगना 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 मांगना। यहाँ हम रुक गए हैं, हम ज़रूरत है कि इस बात को समझे जाने और दुआ के जो मैनी हैं उनको पूरे तौर पर लेकर अपनी दुआ को पूरी दुआ करें, सिर्फ मांगने तक महदूद ना रखें बल्कि थोड़ा हम आगे बढ़ें। किसी की बेहतरी के लिए ख्वाहिश करना या किसी की बेहतरी के लिए खुदावंद के हुजूर इल्तजा करना, मिन्नत मानना, ये भी दुआ है, ये दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी शख्स की बेहतरी के लिए हम दुआ मांगें। और इसके लिए हवाला है इफिसियों के खत में से,
और जबरदस्त है। पौलुस कहते हैं खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को इत्मीनान हासिल हो और उनमें ईमान के साथ मोहब्बत और मोहब्बत हो, हमारे खुदा यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं, उन सब पर फजल होता रहे। किस कदर जबरदस्त और बड़ी दुआ है, और ये दुआ लगता है ऐसा है जैसे दिल की गहराइयों से खुदा का बंदा कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है। और ये रस्मी दुआ नजर नहीं आ रही, इसमें वो ये दुआ जो है इसमें कलीसियाई दुआओं के जो अल्फाज हैं, जो जुमले हम अक्सर बोलते हैं, वो भी इस दवा में पादरी साहब नजर नहीं आ रहे। बहुत जबरदस्त दवा है। काश जब कोई दवा मांगे, किसी की बेहतरी और ख्वाहिश बेहतरी की ख्वाहिश रखे, तो जब दवा मांगे तो दिल की गहराइयों से उसके लिए दवा मांगे। कोशिश करें कि रूल कुदस की कुदरत से जुमले मिले, वो रटे रटाए और सीखे सिखाए, और जो रोज दराते हैं उनसे थोड़ा सा हमें काश हम आगे बढ़ जाएं। और यहाँ पौलुस रसूल जब दुआ करते हैं तो चाहते हैं कि इत्मीनान और जो मोहब्बत है और ये लोगों की जिंदगियों में कसरत के साथ हो, तसल्ली हो, तशफी हो, शांति कलीसिया की जिंदगी में आ जाए। और फिर एक और हवाला जो मैंने चुना है, ये बहुत सारे हवाले हैं, ये तो मैंने सिखाने की गर्ज से चंद एक आपके सामने रखे हैं। और ये एक दूसरा हवाला जो मैंने चुना है पत्रस के खत में से, यानी पत्रस भी चाहता है कि लोग, उनके दिल में भी एक ख्वाहिश है, एक लालच है लोगों की दवा की, और वो कहते हैं बल्कि हमारे खुदावंद और मनजी यीशु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ, उसकी तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। जबरदस्त दुआ है। किस कदर दिल की गहराइयों से निकले हुए ये जुमले हमारे सामने हैं। वो जब जो है पत्रस रसूल कलीसिया के लिए दुआ करना चाहते हैं, या उनके दिल में जब दुआ का बोझ है तो बड़ा जबरदस्त है, और वो चाहते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे मनजी हैं उनकी तरफ से लोगों पर फजल और अरफान की कुदरत जोर से नाजल हो, लोग उसके इरफान में बढ़ें, लोग उसके फजल की पहचान में बढ़ें, लोग उसके फजल को हासिल करें। और ये नहायत जबरदस्त और भली दुआ है। किसी की बेहतरी के लिए जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम दुआ मांग सकें, या इसका दायरा थोड़ा सा ऐसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, या आपके खानदान में कौन सा शख्स नशा करता है। सिर्फ मैं थोड़ा सा जो है ना आपकी दुआ को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। कभी आपने वो जो आपकी गली में है उसके लिए दुआ की है? कभी आपने ये कोशिश की है कि आपके मोहल्ले में जो जो निश्चयी है, सिर्फ एक की बात हम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बदियां हैं और भी बहुत से लोगों को निजात की ज़रूरत है, मैं तमसील आपके सामने रखता हूं, कभी किसी ने उनकी लिस्ट बनाई है कि दुआ में वो उनको याद कर सके?
बस खुशी हो रहे होते हैं जो डिग्या होंगे हस के अगे लंघ गए। क्या हमने कभी उस पर तरस भी खाया है? वो बचे या ना बचे ये आपका काम नहीं, दुआ करना तो आपका काम है। या आपकी दुआ, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि मैं दुआ करूंगा और वो बच जाएगा? जरा हाथ से उठाओ भला। कुछ लोगों को यकीन है, चंद एक जड़े ने उन्होंने यकीन है कि दुआ कितिया बच जाएगा, और बहुत पता इन्हें बचना ही नहीं है इसलिए हाथ ही नहीं चुके। वो उसकी उसी हालत में खुश हैं। तो हमने किसी की बेहतरी की ख्वाहिश की दुआ करनी है। ये मैं आपकी दुआ करने के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, या आपकी दुआ जो आप कर रहे हैं उसकी सीमत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप उसके लिए दुआ मांगते हैं और वो बच जाता है और खुदा का जलाल उसकी ज़िंदगी में जाहिर होता है। किसी की बेहतरी की ख्वाहिश करना, अब जो हमारे सामने है, मुराद मांगना और मन्नत मांगना। मुराद मांगना, मन्नत मांगना। ये मुराद मांगना क्या होता है? हम तो इन बातों से मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों से भागे हुए लोग हैं। मिसेस पास्टर के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये एक अहद है खुदा के हजूर कि खुदाया तू मेरी इस जरूरत को पूरा कर, लेकिन ये यहां तक नहीं रुकती, बल्कि ये होगा कि जब मेरी जरूरत पूरी होगी तो मैं इस तरह से करूंगा, ये कुर्बानी चढ़ाऊंगा। आज बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से जानते हैं। ये अच्छा है, ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन यहाँ खुदा की बंदी हन्ना जो हैं उन्होंने एक दवा की है, एक मिन्नत जो है खुदावंद के हजूर दरख्वास्त को रखा है। वो ये है कि ऐ खुदा तू मुझे बेटा दे और मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। हाँ, तू मुझे बेटा दे क्योंकि हमारी जरूरत है, हमारे खानदान में बेटा नहीं, विरासत का मालिक कोई भी नहीं है। ये दुआ नहीं है, हालांकि ये दुआ नहीं है। वो दुआ इसलिए नहीं मांग रही कि ऐ खुदा मुझे बेटा दे क्योंकि हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। हमारी दुआएं जो हैं वो ऐसी ही होती हैं जिनको ये कह सकते हैं वो खुदगर्जी पर मबनी होती हैं, उसमें हमारी खुदगर्जी नजर आ रही होती है। लेकिन खुदा के नजदीक ऐसी दुआ क्या उम्दा और पसंदीदा है? नहीं। अब ये खुदा की बंदी बड़ी जबरदस्त इसकी दुआ है कि ऐ खुदा तू मुझे बेटा दे और वो मैं तुझे दे दूंगी तेरी खिदमत के लिए, उम्र भर के लिए। और अक्सर लोगों ने ये अहद किया होता है अपने बेटों के लिए, और वो कई दफा हमें बताते हैं कि ऐ बेटा जी असी तो दुआ की थी ऐ खुदावंद है। हाँ जी ठीक है, तो इनू भेजा कितने वे? हन्ना ने अपना बेटा कहाँ भेजा? हाँ जी हैकल में भेज दे दिया।
उसने कहा ये खुदा का है। वो पादरी दे के आ गई, याद है उसने उठाकर उसे किसको दे दिया था, वो पास्टर को दे दिया था। और आज कभी मुझे कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया 35 साल की खिदमत में, प्लस उम्र तो नहीं दसनी चाहिए कि पर सब दस दईए। अच्छा कहते तू दस देनी चाहिए, प्रेज लॉर्ड। सो जो है ना 61-62 साल की उम्र में मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई हमारे घर में कोई बच्चा छोड़ गया हो, कि पार साहब है खुदा ली मखसूस किया सी ते आ लो हूँ इन संभालो। हाँ कभी कभी ऐसा वाकया मेरी उम्र में मेरी खिदमत में ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन ये जबरदस्त है, खुदा को दिया है। जब उसने जो है दूध चढ़ाया है उस दिन वो उसको उठाकर हैकल में ले गई और पादरी ने कहा आज ए खुदा दे ते सांभो हूं। इसमें खुदगर्जी है, इसमें खुदगर्जी है। फिर मांगने का जबरदस्त, कैसा जबरदस्त है। कहती है खुदा मुझे बेटा दे, मैं वो तुझे लुटा दूंगी, वो तेरा ही है और तुझे दे दूंगी। और जब ये दुआ कर रही है, इस वाक्य को आप समझते हैं, एली जो है पास्टर जो है उस वक्त का काहिन जो है वो उसे नशेबाजी की हालत में शायद देख रहा था, वो उस पर बातें कर रहा है। और उसने जब बताया कि नहीं नहीं मैं तो अपने खुदा के हजूर संजीदगी और खाकसारी की हालत में जो है दुआ कर रही हूँ, तो उसने 17वीं आयत जो है कही, तब एली ने जवाब दिया तू सलामत जा, इसराइल का खुदा तेरी मराद को जो तूने मांगी है पूरी करे। प्रेज लॉर्ड। फिर वो मरादें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो ख्वाहिशें जो हैं ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मांग रहे होते हैं, ख्वाहिशों से मांग रहे होते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि उम्दा और पसंदीदा दुआ लोग करने वाले बन जाएं। उसकी ये लालचा है कि वो खुदगर्जी की दुआओं से निकले। दुआ का ये सिलसिला अब बढ़ता रहेगा अगले संडे भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पादरी साहब को, पास्टर अरफान को हम कह रहे थे पिछली दफ़ा के माजद के साथ पादरी साहब के आपने कुछ टाइम ज़्यादा ले लिया और आपके पास 7 उसूल थे, कुछ घट पढ़ा लेंदे फिर पढ़ा लेंदे, कहते फिर कदम मौका करे कि आना ताड़ा भी दुआवाना शुरू होने वाला है। तो वो भी सच्चे थे। तो यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हम जो है इसको रबत के साथ हर संडे जो है 3-4 मैसेज तो कम अज़ कम हम इस पर बयान करें, ताकि हम दुआ करना सीख जाएं और बेहतर हो। आए हम अपने सर खुदावंद की हजूरी में झुकाएं, दुआ मांगें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।